गोरखपुर जिला शतरंज संघ द्वारा 3 दिवसीय मुन्नीलाल जैन स्मृति शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हैप्पी मैरिज हाउस में चल रहा है। गोरखपुर जिला शतरंज संघ के सचिव पीबी सिंह ने बताया कि शतरंज प्रतियोगिता में 3 आयु वर्ग अंडर 11, अंडर 17 और सीनियर वर्ग में शतरंज खेला जा रहा है, जिसमें प्रतियोगिता की कुल पुरस्कार राशि 30,000 रुपये रखी गई है। प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागी को स्टेट लेवल पर होने वाले प्रतियोगिता में गोरखपुर की ओर से प्रतिनिधि खिलाड़ी के रूप में शामिल करने का अवसर दिया जाएगा। इस मौके पर गोरखपुर जिला शतरंज संघ के सचिव पीबी सिंह एवं मुन्नीलाल जैन स्मृति शतरंज प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ी एवं सदस्यगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला शतरंज संघ के सचिव पीबी सिंह ने कहा, अगर ये लाठी किससे काट दिया ये लाठी से काट दिया इससे लगे बड़ा झगड़ा कर रहे मेरा नाम है पीबी सिंह है और मैं सचिव हूँ गोरखपुर जिला शतरंज संघ का। ये प्रतियोगिता 29 सितंबर, 30 सितंबर और 2 अक्टूबर 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये प्रतियोगिता चल रही है और इसमें मुख्य रूप से गोरखपुर जनपद के लिए ही ये प्रतियोगिता थी, लेकिन इसमें कुछ बाहरी खिलाड़ी भी आए हुए हैं, उनको भी हमने ससम्मान यहाँ खेलने का अवसर दिया है। और जैसे कि फैजाबाद से एक दो बच्चे आए हैं, बस्ती से आए हैं, महाराजगंज से आए हैं, देवरिया से एक दो बच्चे हैं, और ये इंटर डिस्ट्रिक्ट ना होते हुए भी एक तरह से आप इसे इंटर डिस्ट्रिक्ट ना कहें बल्कि ये कहें कि हमने खिलाड़ियों को आदर दिया है। प्रतियोगिता 3 चक्रों में हो रही है, अंडर 11, अंडर 17 और सीनियर वर्ग। कुल मिला के इसमें 8 रेटेड खिलाड़ी खेल रहे हैं और सीनियर खिलाड़ियों का चयन, ये चयन प्रतियोगिता भी है, उसमें चयनित खिलाड़ी गोरखपुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए गाजियाबाद जाएंगे, जहां उत्तर प्रदेश चेस चैंपियनशिप हो रही है 4 अक्टूबर से। इसमें हमारे जूनियर खिलाड़ी जो हैं अंडर 11 के विशेषकर और अंडर 17 के, उसमें कई बच्चे, ढेर सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों के हैं, जैसे जीडी गोयनका के हैं, तो लिटिल फ्लावर के हैं, तो सेंट्रल एकेडमी के हैं, तो नेशनल के हैं, सेंट जोसेफ के हैं, सेंट जूड्स के बहुत ज़्यादा बच्चे आए हैं और विशेषकर सेंट जूड्स के मिस्टर डेविड का, डेविड सिरिल जी का मैं बहुत ही आभारी हूँ। उन्होंने पूरी कितने 30 बच्चे भेजे हैं, लगभग 30 बच्चे उन्होंने भेजे हैं और सचमुच अगर कहा जाए तो हम लोग उनके बहुत आभारी हैं।